ऐसी कई टीवी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी पहली शादी सक्सेसफुल नहीं रही, हालांकि उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया और दोबारा प्यार को मौका देकर शादी रचाई। आज हम आपको टीवी की कुछ ऐसी ही हसीनाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने दो बार शादी की। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट रहे शालीन भनोट की एक्स वाइफ दलजीत कौर ने दूसरी शादी रचा ली है। दलजीत ने यूके बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी की। निखिल भी तलाकशुदा है और उनकी दो बेटियां हैं। 18 मार्च 2023 को दोनों ने शादी की है। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने दो बार शादी की है। श्वेता ने राजा चौधरी से शादी की और फिर करीब 9 साल बाद उनसे अलग हो गयी। इसके बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी की, हालांकि उनकी दोनों शादियां ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। फिलहाल श्वेता तिवारी दो बच्चों की सिंगल मदर हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा निगम ने पहली शादी करण सिंह ग्रोवर से की थी, लेकिन साल भर बाद ही इनका तलाक हो गया। इसके बाद श्रद्धा ने मयंक आनंद से साल 2012 में शादी की। दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं। शादी के मामले में चाहत खन्ना बेहद अनलकी है। एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने पहली शादी भारत नरसिंघानी से की थी, लेकिन दोनों का घरेलू हिंसा के कारण तलाक हो गया। इसके बाद चाहत ने फरहान मिर्जा से शादी की, हालांकि दूसरे पति से भी चाहत का तलाक हो गया। साल 2010 में डिम्पी गांगुली ने राहुल महाजन से शादी की थी। दोनों ने स्वयंवर किया था, लेकिन साल 2014 में दोनों का तलाक हो गया। अब डिम्पी ने रोहित रॉय नाम के शख्स से शादी की और विदेश शिफ्ट हो चुकी है।